सो so गईस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस एक्टिव वॉइस के बारे में जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं सो so इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का रूल क्या है कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं विद एग्जाम्पल्स हम लर्न करेंगे आज की वीडियो में आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी सो so बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहचान के बारे में कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की पहचान क्या होती है सो so गैस जो भी आपका सेंटेंस गा गे गी से एंड होता है मतलब जिन सेंटेंसेस का एंड गा गे गी से होता है या तो फिर सेंटेंस के एंड में गा गे गी लगा होता है वो जो सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट होते हैं चलो कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सो फर्स्ट सेंटेंस है मैं फंक्शन में जाऊँगा मैं फंक्शन में जाऊंगा जाऊंगा गा से खत्म हो रहा है तो ये फ्यूचर इनडेफिनेट है मैं ये मूवी कल देखूंगा गा से खत्म हो रहा है राहुल जैली में नया घर बनाएगा राहुल जैली में नया घर बनाएगा सो गा से खत्म हो रहा है फ्यूचर इंडेफिनेट है मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा गा फ्यूचर इंडेफिनेट है सो गाइस इन सभी सेंटेंसेस का एंड जो है गा के गी से हो रहा है तो ये सभी फ्यूचर इंडेफिनेट सेंटेंसेस हैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अफर्मेटिव के बारे में जिसे हम हाचक भी कहते हैं रूल क्या है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे फिर विल शेल फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिर ऑब्जेक्ट एंड फिर एक्स्ट्रा पार्ट सो so गाइस आई और वी के साथ हम शेल यूज करते हैं रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ जैसे इट है ही शी उन सबके साथ हम यूज करते हैं विल वैसे आप ऑर्ली लैंग्वेज में आई और वी के साथ विल भी यूज़ कर लेते हो तो वो रॉन्ग नहीं है क्योंकि आजकल ट्रेंड में विल भी है आई और वी के साथ वैसे ग्रामेटिकली देखें तो आई और वी के साथ शेल लगाते हैं और बाकी सबके साथ बाकी सब सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं चलो एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं मैं फंक्शन में जाऊँगा गां से ख़त्म हो रहा है फ्यूचर इनडेफिनेट है कौन जाएगा मैं सब्जेक्ट है किसको जाएगा किसे जाएगा क्या जाएगा कोई आंसर नहीं आ रहा तो मीन्स ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है कहाँ जाएगा फंक्शन में मैं लगा है प्रीपोजिशन है तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है कैसे बनाएंगे की इंग्लिश होती है आई मैं पहले सब्जेक्ट हमने यूज किया फिर आई के साथ शेल लगाएंगे शेल देन फर्स्ट फॉर्म गो देन एक्स्ट्रा पार्ट टू द फंक्शन आई शेल गो टू द फंक्शन आई शेल गो टू द फंक्शन तो इस तरह से आप रूल में फिट कर सकते हैं फिगर आउट करके पार्ट्स नेक्स्ट है राहुल दिल्ली में नया घर बनाएगा गाँव से खत्म हो रहा है फ्यूचर इनडेफिनेट है कौन बनाएगा राहुल सब्जेक्ट है क्या बनाएगा नया घर ऑब्जेक्ट है दिल्ली में एक्स्ट्रा पार्ट है राहुल विल बिल्ड अ न्यू हाउस इन दिल्ली तो इस तरीके से हम इन्हें फिट कर सकते हैं नेक्स्ट है मैं यह मूवी कल देखूंगा आई विल वॉच दिस मूवी टूमोरो मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा आई विल पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन नेक्स्ट है फ्रेंड्स फ्यूचर इनडेफिनेट नेगेटिव टेंस मीन्स जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगी होती है नहीं लगा होता है सेंटेंसेस में उसके बारे में डिस्कस करते हैं रूल क्या होगा सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट मीन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल शेल में से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आई और वी के साथ शेल अदरवाइज विल देन नॉट लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट एग्जाम्पल है आज वह स्कूल नहीं जाएगा मीन्स यहाँ पे नहीं लगा है गा से ख़त्म हो रहा है फ्यूचर इंडेफिनेट है ही विल नॉट गो टू स्कूल टूडे सबसे पहले सब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट लगाया देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है फिर एक्स्ट्रा पार्ट आज वह स्कूल नहीं जाएगा ही विल नॉट गो टू स्कूल टुडे नेक्स्ट है तुम यह किताब नहीं पढ़ोगे तुम यह किताब नहीं पढ़ोगे यू विल नॉट रीड दिस बुक नेक्स्ट इज वो खरीदारी के लिए नहीं जाएंगे दे विल नॉट गो फॉर शॉपिंग नेक्स्ट है फ्यूचर इनडेफिनेट इंट्रोगेटिव रूल क्या है डब्लू एच ओ फैमिली वर्ड विल शेल देन सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ पे हम डब्लू एच ओ फैमिली का वर्ड यूज करते हैं जहाँ पे आपका सेंटेंस डायरेक्ट क्या से स्टार्ट होता है वहाँ पे हम डब्ल्यू एच ओ फैमिली का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन को विल शल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे कब कहाँ कैसे इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस होता है वहाँ पे हम डब्ल्यू एच ओ फैमिली वर्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज़ करेंगे देन विल शल हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ करेंगे ही करेंगे फिर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे सेंटेंसेज होंगे फर्स्ट है क्या लेखक पत्र लिखेगा क्या से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे विल बिलशैल से स्टार्ट करेंगे क्या वे ताजमहल देखने जाएंगे अब ये भी क्या से स्टार्ट हो रहा है तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड यूज नहीं करेंगे ये क्या से स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट देखिए इस स्थिति में आप क्या करेंगे क्या इन विटमिन ऑफ सेंटेंस है क्या की इंग्लिश होती है वर्ट तो यहाँ पे हम डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड यूज़ करेंगे प्लस विल शैल तो यूज़ करेंगे ही नेक्स्ट है वह अपना काम कब शुरू करेगा कब इन विटमिन ऑफ सेंटेंस है तो यहाँ भी हम डब्ल एच फैमिली का वर्ड यूज करेंगे चलो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल है क्या वे ताजमहल देखने जाएंगे जाएंगे गे से खत्म हो रहा है फ्यूचर इंडेफिनेट है क्या से स्टार्ट हो रहा है इट मीन्स डब्लू एच फैमिली का वर्ड यूज नहीं करेंगे विल दे गो टू सी ताजमहल विल दे गो टू सी ताजमहल तो इस तरह से हम रूल के अकॉर्डिंग फिट करेंगे नेक्स्ट है क्या लेखक पत्र लिखेगा विल द ऑथर राइट द लेटर ये भी क्या से स्टार्ट हो रहा था तो हम डब्लू एच ओ फैमिली का वर्ड यूज नहीं करेंगे डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से हमने स्टार्ट किया विल द ऑथर राइट द लेटर नेक्स्ट है क्या आप वहां जाएंगे ये भी क्या से स्टार्ट हो रहा है विल यू देयर क्या आप वहाँ जाएंगे विल यू देयर नेक्स्ट है इस स्थिति में आप क्या करेंगे तो यहाँ पे क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा क्या इन विटवीन ऑफ सेंटेंस है तो यहाँ पे हम डब्ल्यू एच ओ फैमिली वर्ड लगाएंगे क्या की इंग्लिश होती है वॉट व्हाट विल यू डू इन दिस सिचुएशन इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे व्हाट विल यू डू इन दिस सिचुएशन नेक्स्ट है वह सॉरी क्यों बोलेगा क्यों इन विटविन ऑफ सेंटेंस है तो यहाँ पे हम डब्लू एच ओ फैमिली का वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि इंग्लिश होती है वाई वाई विल ही से सॉरी Why will he say sorry? वह अपना काम कब शुरू करेगा When will he start his job? नेक्स्ट है वह खाना बनाना कब शुरू करेगी When will she start to make the food? सो so गैस ये था फ्यूचर इनडेफिनेट एक्टिव विद एग्जाम्पल्स हमने सीखा कि किस तरह से हम रूल में फाइंड करके फिगर आउट करके पार्ट्स को फिट कर सकते हैं और किस तरह से हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कंटेंट नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल द टाइम ऑल द बेस्ट गुड लक कीप स्माइलिंग कीप वॉचिंग बाय